पार्षद मेनन जी मंत्री जी का माल्या अर्पण कर स्वागत करें। हम जो है हमारे मंडल भैया बढ़िया बोल रही है विनोद जी, पार्षद जी स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में इसी वार्ड से एक ऐसे चर्चित पार्षदी जी आ जाओ। तो पहलवानी जी 15 मिनट में जनता के बीच में रहे, तमाम विकास कराए। पहलवानी जी की छवि एक अलग रही, कोई लोगों को एक उम्मीद थी कि यहाँ से जो पार्षद है गुड्डू मेनन, जो पहलवानी जी जिस तरह मिलते थे इसी तरह आप भी हमें मिले। और नहीं ज्यादा तरह पूर्व और वर्तमान ठीक से कम है, लेकिन ये सौभाग्य के केदार नगर में हमारे बीच में इनकी धर्मपत्नी गुड्डू मेनन के लिए धुआंधार मेहनत की, चुनाव वोट मांगे घर में। हमारे बीच में वीरेंद्र जी भी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। क्या गुड्डू मेनन शुक्ला जी को भी एक माला अर्पण करें। मध्य पराशीन भारतीय जनता पार्टी शिवाजी मंडल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर फ्रेडी जी, संचालक चौधरी साहब और पूर्व के पार्षद शेरवानी जी, जिन्होंने अपने पिछले से पिछले वाले काल में जहाँ से पार्षद थे वार्ड नंबर 6 जो कहलाता है वहाँ भी प्रत्याशी को जिता के लाए और यहाँ भी अपना जिताने में सहयोग किया है शेरवानी जी। वर्तमान पार्षद गुड्डू मेनन जी, वीरेन जी, सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो ये जो विजय है, जो आपको विजय श्री हासिल हुई है, ठीक है कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के व्यक्तित्व कृतित्व का परिणाम है, वही दूसरी ओर आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का सम्मान है कि ये जीत हमको हासिल हुई है। एकजुट होकर जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और एक रिकॉर्ड बना है 1700 से ज्यादा के जीत का, इन सबके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराई से सम्मानित करता हूँ और आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसकी पूंजी, असली पूंजी इसका कार्यकर्ता है। और जब कार्यकर्ता एकजुट होकर जुटता है इतिहास बदल देता है, ये आप लोगों ने दिखाया। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुड्डू मेनन आपके ऊपर, क्योंकि पार्षद से दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर जो होती है जनता की, उससे रूबरू होना पड़ता है, उसका समाधान देना पड़ता है। 3 तरह की सरकार है, लोकल सरकार जिसमें नगर निगम, आप उसके प्रतिनिधि के रूप में पार्षद और मेयर को चुनते हैं, प्रदेश संबंधित कार्यों के लिए प्रदेश की सरकार जिसमें आप सब लोगों ने आप मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया है, और केंद्र में सरकार जो दिल्ली की होती है, जो मोदी जी की सरकार है, उसके भी प्रतिनिधि आप लोग अपना चुनते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब को आपने चुना है। 3 जगह के काम और काम सब होते हैं, लेकिन कहां और कैसे कहा जाए, कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका अगर है तो हर बात सुनी जाएगी। तो मित्रों, अब हम 3 मिलकर, यानी इधर से गुड्डू जी प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि बतौर, मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बतौर।